राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, डेटा डिलीट करवाने का लगाया आरोप। ट्वीट कर कहा, कोई डेटा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब दे ही नहीं। बेटी के कारण कांग्रेस के निशाने पर आई केंद्रीय मंत्री, पार्टी ने मांगा स्मृति ईरानी का इस्तीफा। ईरानी की बेटी के गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में एक्टिव हुई ईडी, एसएससी घोटाले में जारी प्रवर्तन निदेशालय की रेड, कई लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। मुश्किल में फंसी मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद, हिरासत में ली गई अर्पिता। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के चलते बीजेपी के निशाने पर आई ममता, नेता दिलीप घोष ने कसा तंज, कहा कि वो सब जानती हैं लेकिन ये नहीं जानती कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए अध्यादेश लाने पर मांगा जवाब, फिर तेज हुई इस अध्यादेश पर बहस। चुनाव आयोग के आदेश के बाद तेज हुआ महाराष्ट्र घमासान, आदित्य ठाकरे ने साधा बीजेपी और शिंदे पर निशाना, कहा राक्षसी महत्वाकांक्षा से पैदा हुई शिंदे सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए डिनर का किया आयोजन, 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है कार्यकाल, द्रौपदी मुर्मू संभालेगी पदभार। फिर रोकी गई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम और जम्मू कश्मीर हाईवे बंद होने की वजह से लिया गया फैसला, पिछले दिनों बादल फटने से हुआ था बड़ा हादसा। कोरोना की कम नहीं हो रही रफ्तार, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,411 नए मामले आए सामने, 67 संक्रमितों की गई जान। चीन के हेनान प्रांत में बैंकों से पैसे निकालने पर रोक, प्रदर्शनकारियों के लिए आर्मी टैंक तैनात, पैसे ना निकाल पाने पर लोगों ने किया प्रदर्शन, 10 जुलाई को हजारों जमाकर्ता बैंक के सामने जुटे थे। अफगानिस्तान में तालिबानियों की फिर दिखी क्रूरता, युवक की गोली मारकर ली जान, फिर बाजार में लटका दिया शव, तालिबानियों के खिलाफ लोगों में बढ़ा गुस्सा। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर का अटपटा बयान हुआ वायरल, कहा जहां मुसलमान कम है वहां जाकर बच्चे पैदा करें, अब अपने बयान से पलटे। श्रीलंका में 60 लाख नागरिकों पर भोजन का संकट गहराया, देश में पेट्रोल डीजल और खाने के लिए भटकने पर मजबूर हुए लोग, वर्ल्ड फूड कार्यक्रम ने की 500 करोड़ रुपए सहायता की मांग। भारत के बाद अमेरिका में भी मिले मंकी पॉक्स के मामले, दो बच्चों में पाया गया संक्रमण, अब तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 13,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 5 दिन के अंदर फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, लास्ट डे का इंतजार करना पड़ेगा भारी, 1 अगस्त से आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए लेट फीस का करना होगा भुगतान। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन पर सरकार ने अपना रुख किया साफ, सरकार ने कहा एमटीएनएल के निजीकरण की नहीं है कोई योजना। शुभमन गिल वेस्टइंडीज में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाले बने पहले बल्लेबाज, 23 साल 317 दिन की उम्र में किया ये कारनामा, पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। टीवी पर आने वाले कार्यक्रम भाभी जी घर पर हैं में मलखान का किरदार निभाने वाले दीपेश भान का हुआ निधन, क्रिकेट खेलते हुए बिगड़ी थी तबीयत। डांस शो झलक दिखलाजा सीजन 10 में कॉमेडी का तड़का लगाएंगी भारती सिंह, होस्ट के लिए चुना गया भारती सिंह का नाम।